हेलो इंजीनियर्स, मैं भविष्य कुमार सिंह, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन, चिंचवर पुणे से। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूँ, वो टॉपिक आपका जो इन ऑटोमोबाइल आपका इंडस्ट्री है, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो मशीन यूज करते हैं, उसमें से एक मशीन का नेम है PRB, पावर रूलर बेड। इसका लॉजिक हम लोग कैसे डेवलप करेंगे, इसके रिगार्डिंग हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि इंडस्ट्री के किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए आपका अप्लीकेबल होगा। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। हम लोग कैसे एक यूनिवर्सल लॉजिक बनाएंगे जो कि वर्ल्ड वाइड आपका अप्लीकेबल होगा, क्योंकि इस ट्रेनिंग का पर्पस क्या है कि हम लोग वर्ल्ड वाइड हमारा लॉजिक जो है अप्लीकेबल होना चाहिए। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सबसे पहला, जो इसके पहले भी हमने डिस्कशन किया है, कि हमारा 5 पेजेस रेडी होना चाहिए। जो 5 पेजेस का नेम क्या है, पहला पेज है हमारा इनपुट मैपिंग, सेकंड क्या है हमारा आउटपुट मैपिंग, थर्ड अलार्म मैपिंग, फोर्थ प्रोफिनेट नेटवर्क मैपिंग। प्रोफिनेट नेटवर्क मैपिंग क्यों? क्योंकि आपका मल्टी डिवाइसेस प्रोफिनेट पे है, पीएलसी और ड्राइव, पीएलसी टू एचएमआई, पीएलसी टू एनर्जी मीटर, बहुत सारे आपका फील्ड डिवाइसेस कनेक्टेड होता है। तो अगर एक भी केबल मेरा डिस्कनेक्ट हो गया तो हमें मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों हमारा नेटवर्क यानी कि पेज नंबर हमारा 4, हम लोग क्या डिफाइन करने जा रहे हैं, नेटवर्क मैपिंग, उसके बाद आपका टावर मैपिंग। तो ये सभी जो है आपका डिस्कशन हो गया है, और इसके लिए इन डिटेल में अगर आपको लॉजिक देखना है, और ये सभी जो है एचएमआई के साथ में आपका ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, सभी के सभी 5 पेजेस के रिगार्डिंग। तो आज का हमारा जो ये ट्रेनिंग सेशन है, इसके पहले जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, वो क्या डिस्कशन किया है, इनपुट मैपिंग की रिगार्डिंग। तो अभी हम एक सीक्वेंस पे हम लोग लॉजिक लेकर के चलेंगे। तो एज पर द रूल हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास में क्या होना चाहिए। हमारा जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है पीएलसी डेटा टाइप्स, जो कि हमने 3 तरह का यूडीटी बनाया है। यूडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूजर डिफाइंड टैग। तो यहाँ पे जो है पहला नेम है हमारा मेन पैनल। अब इस लिस्ट को एक बार हम लोग गो थ्रू करते हैं। मेन पैनल में एज पर द इंडस्ट्री सीक्वेंस हमें फॉलो करना है, जो कि हमारा पहला क्या होगा, इमरजेंसी स्टॉप, उसके बाद हमारा मैनुअल मोड सिलेक्टेड, ऑटो मोड सिलेक्टेड, ऑटो स्टार्ट पुश बटन, ऑटो स्टॉप पुश बटन, फॉल्ट रिसेट पुश बटन, फॉल्ट एक्नॉलेज, हुटर, लैंप टेस्ट पुश बटन। ये जो भी आपका 1 to 9 आपको जो दिख रहा है, ये आपका इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। उसके बाद अगर हमारा लैंप लगा हुआ है, इंडिकेटर है, तो उसके रिगार्डिंग हमारे सीक्वेंस में होना चाहिए। ध्यान रखें दोस्तों, हमें जो है केवल और केवल हमें सीक्वेंस में ही हमें यूडीटी हमें डिफाइन करना होता है। सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग हमारा लॉजिक नहीं हो सकता। अब हम लोग पैनल के अंदर जैसे हम लोग एंट्री करते हैं, तो पैनल में हमारा फर्स्ट लैपटॉप कॉर्नर से जो हमारा स्टार्ट होता है, वो हमारा क्या है, सीक्वेंस क्या है, एमसीसीबी हेल्दी हमारा होना चाहिए, ट्रांसफार्मर हेल्दी होना चाहिए, सिंगल फेज से प्रिवेंटर हमारा यानी कि तीनों फेज हमारा अवेलेबल होना चाहिए, सर्ट सप्रेशन यानी कि हमारा सर्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एमपीसीबी मोटर प्रोडक्शन सर्किट ब्रेकर, ये हमारा क्या है, ये भी हेल्दी होना चाहिए, ट्रिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी कॉन्टेक्टर के साथ में ओएलआर ना लगा करके हम लोग क्या लगाते हैं, एमपीसीबी। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आपका एक एक सेक्शन के लिए, जो हमने अलग अलग जो हमने एमसीबी जो लगाया है 2 पार्ट में, तो उसके लिए हमारा एमसीबी है। फिर अगर हम लोग पीएलसी की बात करते हैं, या रिमोट आयुज की बात करते हैं, या एचएमआई की बात करते हैं, तो इसी सीक्वेंस में हमारा क्या है, एक एक हमारा यहाँ पे लिस्ट आउट बना हुआ है जो कि हमारे फील्ड से कनेक्टेड है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं, पीआरबी का हमने बिट क्या लिखा है, पीआरबी का हमने यूनिटी का लिस्ट क्या बनाया है, जो पीआरबी यानी कि पावर रोलर बेड, इसका हमारा लिस्ट आउट क्या होगा। इसका लिस्ट आउट हमारा जो है, जो लॉजिक में जो भी हम लोग इंटरनल टैग यूज करने वाले हैं, उसी स्टैंडर्ड को हमें फॉलो करना होता है। तो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा पहला नेटवर्क का आउटपुट क्या होगा, तो ह्यूमन सेफ्टी हेल्दी, सेकेंड नेटवर्क का आउटपुट क्या होगा, पैनल हेल्दी, थर्ड क्या है, सिस्टम हेल्दी। ये 3 नेटवर्क क्या है, ये वर्ल्ड वाइड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जो कि आपका प्री डिफाइन किया गया है, वर्ल्ड के किसी भी इंडस्ट्री में यही आपको सीक्वेंस मिलेगा, यानी कि 1 2 3, यही 3 नेटवर्क, जो ये रिमेनिंग जितना भी हम लोग नेटवर्क का ये मैंने बिट मैंने डिफाइन किया है,
इन सभी का समराइज, ये जितना भी आपको दिख रहा है, आपको 45 तक लिस्ट जो दिख रहा है, इनका समराइज हमें जो है नेटवर्क 1, 2, 3 में रखना है। रीजन क्या है, लॉजिक लिखने का स्टैंडर्ड क्या बोलता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या ट्रबलशूटिंग हमारा क्या बोलता है कि 3 नेटवर्क में ही हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। तो आइए दोस्तों, 3 नेटवर्क में रिजल्ट, यानी कि 3 नेटवर्क में हमारा ट्रबलशूटिंग, उसके बाद हमने क्या लॉजिक लिखा है, ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो यहां तक हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हुआ है इसके पहले भी लेक्चर में, इसको मैं लॉजिक को असेंबल करने जा रहा हूँ। असेंबल करने का मीनिंग क्या है कि हमने इनपुट मैपिंग ऑलरेडी इन डिटेल में डिस्कशन किया है, फॉल्ट का लॉजिक भी आप देखेंगे तो इन डिटेल में डिस्कशन हुआ है। यानी कि फॉल्ट का लॉजिक कहने का सेंस क्या है कि जितना भी आपको यहाँ पे इस लिस्ट में आपको फॉल्ट वर्डिंग दिख रहा है, यानी कि हमारे ये MPCB फॉल्ट, ट्रांसफार्मर हेल्दी फॉल्ट, सिंगल फेज प्रिवेंटेड रिले फॉल्ट, यानी कि पैनल के अंदर के जितना भी बीट है, इसका सेपरेट हमने ऑलरेडी लॉजिक डिस्कस कर लिया है, लेकिन इसको भी हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है, ताकि हमारा पूरा इसके पहले जितना भी हमारा एक एक टॉपिक डिस्कशन हुआ है वो हम लोग एक जगह समराइज कर सके। तो चलिए अब हम लोग लॉजिक वाले पार्ट में एंट्री करने वाले हैं, तो लॉजिक के पार्ट को मैं ओपन करने जा रहा हूं। तो कमेंट्स बहुत जरूरी है, आपका यूट्यूब का कमेंट्स तो है ही, साथ में जो है जो हम लोग लॉजिक जो लिखते हैं उसका नेटवर्क का कमेंट्स, इसे हमें इजिली ट्रबल शूटिंग हो पाता है कि हमारा जो है कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या डिटेल्स हमारा है। तो चलिए दोस्तों, पहला नेटवर्क हमारा क्या है जिसका हमने टर्मोलॉजी क्या यूज किया, ह्यूमन सेफ्टी हेल्दी। ह्यूमन सेफ्टी हेल्दी यहाँ पे टर्मोलॉजी इसलिए हमने यूज किया है, एक प्रैक्टिस तो है जरूर हमारा कि हम लोग पहले नेटवर्क पे हम लोग इमरजेंसी लेते हैं। पहले नेटवर्क पे इमरजेंसी इन द सेंस क्या कि मेन कंट्रोल पैनल, यहाँ पे जो टर्मोलॉजी है पैनल MCP, यानी कि पैनल कौन सा है मेरा, मेन कंट्रोल पैनल है जिसका इमरजेंसी स्टॉप, ये तो हेल्दी होना चाहिए, लेकिन साथ में हमारा जो OPB यानी कि ऑपरेटर पैनल बॉक्स, ये भी इसका भी हेल्दी होना चाहिए। अब कहीं कहीं हमारा यहाँ पे और भी इंटरलॉक यूज किया जाता है, वो इंटरलॉक हमारा क्या होता है, जैसे लाइट कर्टन है, सेफ्टी डोर ओपन फीडबैक है, मैट सेफ फीडबैक है, तो ये सारा का सारा नेटवर्क ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या डिसाइड किया गया है, नेटवर्क नंबर 1, पोजीशन नंबर 1। इसलिए मैं यहाँ पे जो है ह्यूमन सेफ्टी हेल्दी की बात कर रहा हूँ, आप इसको इमरजेंसी हेल्दी भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे वर्डिंग क्या है हमारा, हेल्दी है। अगर कोई ये डिमांड करता है कि हेल्दी टर्मोलॉजी हमें नहीं यूज करना है, हमें यहाँ पे फॉल्ट टर्मोलॉजी यूज करना है, तो आप जो है यहाँ पे नॉट गेट लगा करके आप इस लॉजिक को एज इट इज रख सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसको आप ये NO जो है इसको पैरेलल में NCNC आपको देना होगा, और यहाँ पे रिजल्ट आपका किस में आएगा, ये हम लोग रिप्रेजेंट किस में करेंगे, फॉल्ट। तो ध्यान रखना है दोस्तों, अगर हमारा हेल्दी टर्मोलॉजी है तो हम लोग सीरीज में लिखते हैं, अगर वह फॉल्ट टर्मोलॉजी है तो हम लोग जो है पैरेलल में लिखते हैं, ये लेफ्ट साइड का जितना भी फील्ड का फीडबैक है। तो अब हम लोग आएंगे नेटवर्क नंबर 2 पे। तो नेटवर्क नंबर 2 हमारा क्या है, पहला हमने एक कंडीशन क्या लिया, आपका जो ह्यूमन सेफ्टी हेल्दी है इसका हमने यहाँ पे लूपिंग कर दिया, यानी कि नेटवर्क 1 अगर मेरा हेल्दी है तभी जो है जा करके नेटवर्क 2 यानी कि पैनल के अंदर का सारा कंडीशन मेरा ओके होना चाहिए, यानी कि इंसान का जान बचाना हमारी पहली प्रायोरिटी है, यानी कि ह्यूमन से रिलेटेड सारा अगर सिग्नल ओके है तभी वो पैनल के अंदर का इंटरलॉक के बेस पे हमारा लॉजिक काम करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पैनल को देखना है और लेफ्ट टू राइट जिस सिक्वेंस में हमारा स्विच गियर्स डिवाइसेस कनेक्टेड है उसी सिक्वेंस में यहाँ पे हमारा एक एक बीट हमारा होना चाहिए। एक एक बीट कहने का मतलब यहाँ पे टर्मोलॉजी पे प्लीज ध्यान दीजिए, टर्मोलॉजी यहाँ पे क्या है, आपका फॉल्ट है, लास्ट में टर्मोलॉजी क्या है हमारा, फॉल्ट। तो इस फॉल्ट का लॉजिक जो है हमें लिखना है, जो कि यहाँ पे हमने लॉजिक ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए हमने इस नेटवर्क में ओपन कर रहा हूँ तो इसका ऑलरेडी यहाँ पे लॉजिक हमने लिखा हुआ है, MCCB ऑन फीडबैक फॉल्ट, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो हमारा फॉल्ट का जितना भी है हमारा सबका लॉजिक का पैटर्न हमारा क्या होगा, सेम होगा जो इससे पहले हमारा ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसफार्मर इनपुट आपका जो है इसका MCB कोई लगा हुआ है, अगर ये चिप करता है तो इसका भी हमें चाहिए। तो ये जो है ये फीडबैक जब तक आ रहा है तब तक ये आउटपुट मेरा एक्टिवेट नहीं होगा, जैसे ये सिग्नल आना मेरा बंद होगा, यानी कि फील्ड से हेल्दी वर्डिंग हमारा क्या है कि फील्ड से हमारा बाय डिफॉल्ट हमारा MCB ऑन है, यानी कि सिग्नल मेरा कंटिन्यू आ रहा है,
तब तक ये क्या रहेगा, मेरा ओपन रहेगा। जैसे ही मेरा सिग्नल आना बंद हुआ यानी कि फील्ड से अनहेल्दी होता है, तो वैसे कंडीशन में हमारा क्या होने वाला दोस्तों, यहाँ पे ये बीच मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे एक्टिवेट होगा, हमें यहाँ पे हमने ये जो मैंने सेलेक्ट किया अभी, ये मेरा क्या हो जाना चाहिए, लैच हो जाना चाहिए। जैसे ये लैच हुआ तब तो मैं रिसेट करूंगा, जो कि पैनल के फ्रंट पैनल पे हमारा लगा हुआ है, जिसका पोजीशन नंबर 6 है। ठीक है, तो अब हम लोग यानी कि सेम पैटर्न, अगर हम लोग किसी भी फॉल्ट बिट की बात करेंगे, लॉजिक का पैटर्न, लॉजिक का सीक्वेंस हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तभी तो हम लोग बोल पा रहे कि हमारा लॉजिक क्या है, स्टैंडर्ड लॉजिक है। तो स्टैंडर्ड लॉजिक किसी भी नेटवर्क, किसी भी लूप को मैं ओपन करूंगा, तो लॉजिक स्टैंडर्ड बोलने का मतलब स्ट्रक्चर जो है, लिखने का स्टाइल जो है, पैटर्न जो है, टोटली सेम होना चाहिए, ताकि प्रोग्रामर जो उसको इजीली ट्रबल शूट कर सके। तो ये जितना भी आपको बिट जो दिख रहा है, ये यहाँ से लेकर के नेटवर्क नंबर आपका 20 से लेकर के जो भी 30 या 31 तक, ये पैनल के अंदर का है। दूसरा क्या है कि आपका ये स्किप टाइम आउट यानी कि एग्जिट सेंसर, अगर आपका फेल हुआ एक कन्वेयर से दूसरे कन्वेयर पे आपका बॉडी ट्रांसफर हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये बिट मेरा एक्टिवेट रहेगा। एंटी सेंसर फॉल्ट, एंटी सेंसर फॉल्ट बोलने का मीनिंग क्या है कि हमारा एक कन्वेयर है, पहला हमारा क्या है, एक से दूसरे पे जा रहा है, और मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे एंटी सेंसर लगा नहीं और एग्जिट सेंसर लग चुका है, तो ऐसे और ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई मेरा कहीं ना कहीं एंटी सेंसर में प्रॉब्लम है। तो ये ध्यान देना है, कोई भी मेरा कन्वेयर क्यों ना हो, अगर मेरा एंट्री सेंसर नहीं लगा और एग्जिट तक मेरा ट्रांसफर होकर के मेरा बॉडी जा चुका है, यानी कि सेकेंड ने यानी कि नेक्स्ट कन्वेयर ने अगर उसको रिसीव कर लिया है, तो वैसे केसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे केसेस को हम लोग बोलते हैं कि हमारा क्या है, एंट्री सेंसर फॉल्ट है। एग्जिट सेंसर फॉल्ट के लिए यानी कि जो यहाँ पे हमारा स्टॉप हो जाना चाहिए, उसके लिए हम लोग टर्मोलॉजी क्या यूज करते हैं, टाइम आउट फॉल्ट। ओके दोस्तों, तो ये सिस्टम सेफ्टी से रिलेटेड था। अब हम लोग यहाँ पे समराइज इन सभी बीट को हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो पैनल के अंदर का जितना भी है सबका आउटपुट का यहाँ पे मेरे बीट मैंने यूज किया, और इसको नेम मैंने क्या दे दिया, पैनल हेल्दी, यानी कि पैनल मेरा इंटरनली कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पैनल क्या है, टोटली क्या है, हेल्दी है, यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग नेटवर्क 3 में बात करेंगे, तो यहाँ पे जो है टाइम आउट है, कॉन्टेक्टर ऑन, यानी कि जो भी हमारा पोस्ट इंफॉर्मेशन, कोई अलार्म मेरा प्रेजेंट नहीं है, तो सेल कोई सेंसर मेरा फॉल्टी नहीं है, तो वैसे केसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम हेल्दी। ये तीनों कंडीशन अगर मेरा ओके है, तो मेरा सिस्टम ऑटो में चलना चाहिए। लेकिन मैनुअल में चलाने के लिए हमारा नेटवर्क 1 एंड नेटवर्क 2, यही दोनों हेल्दी हमारे लिए कंपल्सरी है। ठीक है, सिस्टम में अगर मेरा कोई सेंसर नहीं काम कर रहा, तब भी मेरा जो है मैनुअल बोर्ड में चलना चाहिए। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है, इसके बेस पे हम लोग आगे का लॉजिक हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो आगे का लॉजिक डिस्कशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पहला हमारा वर्क क्या है। अभी तक हमने प्रोग्राम को एक स्ट्रक्चर दिया है, स्ट्रक्चर देने के बाद अब हमारा ड्यूटी क्या बनता है कि हम लोग जो है, यदि मैं ऑटो मोड सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, तो मेरा तीनों नेटवर्क का आउटपुट बिट ओके होना चाहिए, यानी कि सिस्टम मेरा टोटली हेल्दी होना चाहिए, यानी कि ह्यूमन सेफ्टी इज ऑल्सो ओके, पैनल इट मीन्स all the internal feedbacks would be also okay, then after system set healthy, it means all the sensor positions will be healthy. तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम हेल्दी हम लोग टर्मोलॉजी यूज कर रहे हैं, यानी कि मेरा सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक है, तब मैं जाकर के ऑटो मोड को मैं जाकर के सिलेक्ट करने वाला हूँ। ऑटो मोड को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, और केवल मेरा मेन कंट्रोल पैनल का नहीं, उससे रिलेटेड जो मेरा ऑपरेटर पैनल बॉक्स 1 है, वो भी मेरा ऑटो मोड में सिलेक्ट होना चाहिए, लेकिन मेरा मैनुअल में सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, ना मेन कंट्रोल पैनल का, ना ही मेरा ऑपरेटर पैनल बॉक्स का। तो मैनुअल मोड मेरा कहीं भी सिलेक्ट मेरा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, तब जाकर के मैं कंसिडर करूंगा कि मेरा जो है सिलेक्टर स्विच जो है लेफ्ट साइड है, यानी कि ऑटो मोड में हमने उसको क्या किया है, सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे कंडीशन है, ऐसा इंडस्ट्री में नहीं होता कि भाई लेफ्ट आपने यानी कि ऑटो सेलेक्टर स्विच का पोजीशन आपने दिया और वो ऑटो आपका जो है एक्टिवेट हो जाए, बिल्कुल नहीं। हमारा कंडीशन ओके होना चाहिए,
हमारे पैनल के अंदर का सारा सिग्नल ओके होना चाहिए, कोई ट्रिप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फेज मेरा कट हो चुका है, यानी कि थ्री फेज में से एक फेज मेरा कट है, सिंगल फेज प्रिवेंटर रिले जो है वो आपको फॉल्ट जनरेट कर चुका है और आप ऑटो मोड को सिलेक्टर स्विच को एक्टिवेट करना चाहते हो, ये टोटली हमारा क्या है, रूल के अगेंस्ट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कंडीशन रखेंगे, ऑटो के लिए कंडीशन देना है लेकिन मैनुअल के लिए नहीं। ऐसा क्यों? अगर मान लो कि आप फोर व्हीलर को आप ड्राइव करना चाहते हो ऑटोमेटिक कंडीशन में, तो वहां पे आप बहुत सारे प्री कंडीशन आप लगाओगे कि आपका गेट क्या है क्लोज होना ही चाहिए, आपका जो है ब्रेक आपका लगा ही हो, सॉरी आपका सीट बेल्ट आपका लगा ही होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्या है कंडीशन आपका हो सकता है स्टार्ट करने के लिए। लेकिन दोस्तों जब हमें स्टॉप करना है या मैनुअल मोड में हमें ऑपरेशन लेना है तो वहां पे कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैनुअल मोड हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमारा कोई सिस्टम फॉल्ट है, हमारा सही सेंसर हमारा काम नहीं कर रहा है, तो उस इमरजेंसी कंडीशन में भी हमारा मैनुअल मोड मेरा वर्क करना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग दोनों नेटवर्क को हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जाकर के इसको कंपेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जब ऑटो मोड है तो सारे के सारे कंडीशन हमने दे दिया है, लेकिन जब हम लोग बात करें मैनुअल मोड का तो कोई कंडीशन नहीं, पैनल हेल्दी है, इमरजेंसी हेल्दी है, ओके, यानी कि ह्यूमन सेफ्टी एंड पैनल दोनों, दो नेटवर्क मेरा ओके है। तो मेरा जो है जैसे मैं मैनुअल मोड सेलेक्ट करूंगा, मेरा ये मैनुअल मोड का सिलेक्टर स्विच एक्टिव हो जाना चाहिए। अभी हम एक्टिव की बात कर रहे हैं, स्टार्ट की बात नहीं कर रहे, केवल हम लोग एक्टिव की बात कर रहे हैं, यानी कि वो सिलेक्टर स्विच मेरा वर्क करेगा उस कंडीशन में। लेकिन ये जब एक्टिव है तो ये नहीं होना चाहिए, इसका ही इंटरलॉक दिया है, यानी कि मैनुअल अगर है तो ऑटो बंद होना चाहिए, राइट? तो इसको हम लोग इंटरलॉक बोलते हैं। अब हम लोग का अगला नेटवर्क क्या होना चाहिए दोस्तों, पैनल फ्रंट को लेकर के, क्योंकि हमारा फ्रंट डोर पैनल पे हमारा क्या है इमरजेंसी का डिस्कशन हमने कर लिया ऑलरेडी, हमने जो है मैनुअल मोड या ऑटो मोड इसका डिस्कशन हो चुका है। अब जो है हमारा यानी कि इमरजेंसी पहला इनपुट, दूसरा जो है ऑटो मोड सिलेक्टेड, तीसरा जो है मैनुअल मोड सिलेक्टेड, अब हमारा फोर्थ जो आता है पुश बटन, उसका नेम क्या है हमारा जो है यहाँ पे देखिए ऑटो स्टार्ट पुश बटन। तो ये ऑटो स्टार्ट पुश बटन हमारा कब काम करेगा, जब मेरा ऑटो मोड सिलेक्टेड होना चाहिए, लेकिन मैनुअल मोड मेरा सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इसका इंटरलॉक अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि ये बिट हमारा ऑलरेडी क्या है सिस्टम में है, ठीक है? तो अभी मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्योंकि ये ओवरऑल हमारा क्या है इंटरलॉक नीचे के नेटवर्क का है, तो ध्यान देना है ऑटो मोड मेरा सिलेक्टेड होना चाहिए, मैनुअल मोड मेरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जो है ये हमारा क्या है यहाँ पे ऑटो स्टार्ट पुश बटन मैं कहाँ से मैं प्रेस करूँ, जैसे मैं मेन कंट्रोल पैनल के फ्रंट पे जो फोर्थ पोजीशन पे है, इसलिए इसका एड्रेस क्या है 0.3, तो मेरा क्या होना चाहिए ऑटो साइकिल मेरा ऑन जैसे ही हुआ मेरा तुरंत लैच हो जाना चाहिए, इसलिए हमने इसी एड्रेस को हमने यहाँ पे पैरेलल में लैचिंग यूज किया हुआ है। लेकिन अगर कोई जो पांचवा मेरा पैनल पे उस बटन है स्टॉप का, अगर किसी ने प्रेस किया तो मेरा कट हो जाना चाहिए। तो ये जो फ्रंट पैनल पे जो है 1 2 3 4 5 इन पांचों पुश बटन का या स्विचेस का हमने अप्लीकेशन यहाँ पे देखा, हमने हम लोगों ने लॉजिक यहाँ पे देखा कि कैसे हमें यूज करना है। अब हम लोग आएंगे ये मेन कंट्रोल पैनल, और हमने मिक्स ऑपरेटर पैनल बॉक्स का हमने डिस्कशन किया। अब हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि ऑपरेटर पैनल बॉक्स पे ही हमारा मैनुअल फॉरवर्ड पुश बटन हो सकता है, हमारा मेन कंट्रोल पैनल पे बिल्कुल नहीं हो सकता। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है मैनुअल फॉरवर्ड पुश बटन कब काम करेगा, उसका कंडीशन क्या है। तो उसके लिए क्या है हमारा मैनुअल मोड हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है? यानी कि हमारा क्या है ये नेटवर्क 5 मेरा ओके है, ध्यान देना है ये नेटवर्क 5 मेरा क्या है ओके है, और जो है मेरा कन्वेयर फॉरवर्ड पुश बटन जब मैं प्रेस करूंगा उस टाइम जो है रिवर्स का गलती से कोई प्रेस ना करे, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉरवर्ड भी किसी ने प्रेस किया और रिवर्स भी किसी ने प्रेस कर दिया है। तो यहाँ पे जो है हमारे मैनुअल फॉरवर्ड पुश बटन मेरा काम करेगा, इस टाइम अगर आपको लैंप वगैरह इंडिकेट करना है तो आप लैंप भी आप यूज कर सकते हो। सेम हमारा नेटवर्क क्या होगा रिवर्स का भी होगा,
सेम आप नेटवर्क रिवर्स का देख सकते हैं कि मैनुअल मोड मेरा सिलेक्टेड है, रिवर्स हमने पुश बटन को प्रेस किया है और हमने ओपीबी से फॉरवर्ड को बिल्कुल प्रेस नहीं किया है, तब जाकर के हमारा क्या होगा, रिवर्स पुश बटन मेरा काम करेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक हमने क्या देखा, हमने सभी पुश बटन का जॉब रोल हमने देखा। अब हम लोग आएंगे लॉजिक के रिगार्डिंग हम लोग वर्क करने के लिए। तो पहले हमारा जो कन्वेयर है, कन्वेयर पे क्या है, स्कीड बोलते हैं जिसपे फोर व्हीलर रहता है। कन्वेयर है जो इंडस्ट्री में कन्वेयर है जिसको बोलते हैं पीआरबी, पावर रोलर बेड, जो कि बेड के शेप में रहता है, अपने जगह पे फिक्स रहता है। और एक एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये पीआरबी जो है 2 से 3 हजार तक यूज किया जाता है। जैसे पेंट शॉप है, पेंट शॉप और असेंबली शॉप के बीच में जो बफर रहता है वहां पे मैक्सिमम पीआरबी, टर्न टेबल, ट्रांसफर कार, आपका जो है पॉप अप, सीजर लिफ्ट, इसी तरह का सिस्टम आपका यूज किया जाता है। तो उसमें से ये इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीआरबी बोलते हैं, यानी कि पीआरबी को के ऊपर स्कीड प्रेजेंट है। तो हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि आपका बॉडी भी प्रेजेंट है, यानी कि फोर व्हीलर का बॉडी भी जो पेंट शॉप से जो आया है वो आपका प्रेजेंट है, यानी कि दोनों सेंसर लगा हुआ है, तो मैं इसको प्रेजेंट क्लियर करूंगा। अगर नहीं लगा है तो मैं इसको अब्सेंट क्लियर करूंगा। इसलिए हमने इसको क्या कंसीडर किया कि प्रेजेंट है। अब हम लोग इस कंडीशन पे आ चुके हैं कि हम लोग ऑटो का तो नहीं लेकिन मैनुअल का जरूर हम लोग लॉजिक लिख सकते हैं। तो यानी कि मेरा क्या है, बॉडी प्रेजेंट हो या नहीं प्रेजेंट हो, मैं उस कन्वेयर को मैं मैनुअल मोड में मैं रोटेट कर सकता हूं। तब जो है हम लोग आएंगे नेक्स्ट नेटवर्क पे रिवर्स चलाने के लिए। सेम चीज है, मेरा रिवर्स पुश बटन एक्टिवेटेड है और मेरा बॉडी प्रेजेंट हो या नहीं प्रेजेंट हो, मेरा क्या है, रिवर्स मेरा क्या है, मेरा काम करेगा। मैनुअल रिवर्स मेरा क्या होगा, मेरा वर्क मेरा करना चाहिए, मैनुअल रिवर्स मेरा वर्क करना चाहिए जो कि मेरा वर्क करेगा। अब इस इन सभी का ये जो मैनुअल रिवर्स या मैनुअल फॉरवर्ड, ये हमारा बिट कहाँ जाएगा, ध्यान रखना है दोस्तों, ये नेटवर्क 16 और 17 जो हमने जो लिखा है। सो यहाँ पे मैनुअल, यहाँ पे जैसे मेरा एक्टिवेट होगा तो मेरा क्या है, मैनुअल फॉरवर्ड जैसे एक्टिवेट होगा तो ये क्या होगा, मेरा फॉरवर्ड यानी कि कन्वेयर मेरा मैनुअल मोड में चलने लगेगा। अब हम लोग अगले वीडियो में आएंगे किसके साथ में, ऑटो के लॉजिक के साथ में, कि यानी कि मेरा ऑटो कैसे काम करता है, कैसे लॉजिक मेरा रहता है। तो ऑटो मोड के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन डिटेल में बात करते हैं। ओके, तो अभी इस वीडियो का समराइज क्या है कि हम लोग कैसे इसको, हमने लॉजिक हमने मैनुअल मोड तक का हमने लिखा विथ फॉल्ट। इसमें हमने क्या क्या कवर किया, हमने तीन पार्ट को कवर किया है, जो फ्रंट डोर पैनल है उसके ऊपर इमरजेंसी का क्या कैसे हम लोग यूज करेंगे, ऑपरेटर पैनल बॉक्स का हो या आपका जो है मेन पैनल का हो, ये नेटवर्क वन में हमने लिखा। नेटवर्क टू में हमने क्या लिखा दोस्तों, जो पैनल के अंदर जितना भी फॉल्ट है हमने नेटवर्क टू में लिख दिया। नेटवर्क थ्री में हमने सबका समराइज किया लिया, जो फील्ड में जो हमारे सेंसर से रिलेटेड है, जिसको हमने सिस्टम हेल्दी हमने वर्डिंग हमने यूज किया। उसके बाद जो है फिर से हम लोग फ्रंट डोर पैनल पे आ गए, मेन कंट्रोल पैनल पे आ गए कि ऑटो मोड किस कंडीशन में मेरा सिलेक्टर स्विच काम करेगा, दूसरा जो है मेरा मैनुअल मोड किस कंडीशन में मेरा काम करेगा, और मैनुअल के लिए कोई कंडीशन होता ही नहीं क्योंकि उसका ड्यूटी क्या, बंद कर भी पहले ऑटो को फिर जाकर के मैनुअल में चलाएगा। ऑटो साइकिल ऑन, इसमें कंडीशन रहेगा लेकिन मेरे को मैनुअल पुश बटन जो है उसका कोई कंडीशन नहीं, इसलिए हम लोग उसका एडिशनल नेटवर्क भी नहीं लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, जैसे किसी ने मैनुअल को प्रेस किया, जो लैचिंग जो बना हुआ है ऑटो साइकिल ऑन का, उसको उसका जॉब रोल क्या है, जैसे आपका ऑटो साइकिल स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेगा आपका साइकिल क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। तो यहाँ तक हमने समराइज हमने किया। और फिर आपका क्या है, मैनुअल फॉरवर्ड पुश बटन यानी कि ऑपरेटर पैनल बॉक्स वाले एरिया में हम लोग जा चुके हैं। ऑपरेटर पैनल बॉक्स में जो फॉरवर्ड का है उसका लॉजिक हमने देखा। फिर आपका जो है यहाँ पे रिवर्स में हमें चलाना है ऑपरेटर पैनल बॉक्स से, ये हमने लॉजिक हमने देखा। उसके बाद जो है मेरा सिस्टम पे अब हम लोग आगे, यानी कि जो फील्ड में अब हम लोग एंट्री करेंगे, यानी कि यहाँ तक के लिए हमें जो है फील्ड का इंफॉर्मेशन की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, मशीन का एप्लीकेशन का बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्रॉइंग के बेस पे, हम लोग लेआउट के बेस पे यहाँ तक हम लोग इजिली लॉजिक लिख पाते हैं।
राइट, इसकी प्रेजेंट यानी कि बॉडी है या नहीं है। अगर है या नहीं है दोनों कंडीशन में हमें क्या है कन्वेयर को यानी कि पीआरबी को यानी कि पावर रोलर बेड को मैनुअल में हमें चलाना होता है। इसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि मैनुअल फॉरवर्ड पुश बटन को मैं जब ऑन करूंगा रेस करूंगा तो बॉडी हो स्किड प्रेजेंट हो या नहीं हो। एनसी को हम लोग क्या बोलते हैं नहीं हो और एनो को क्या बोलते हैं हो, यानी कि मेरा स्किड प्रेजेंट हो या स्किड प्रेजेंट नहीं हो उस कंडीशन में भी मेरा क्या होगा ये फॉरवर्ड में मेरा चलने वाला है। सेम चीज हम लोग रिवर्स पे हम लोग बात करेंगे तो रिवर्स पे भी सेम कंडीशन है। तो हमने आज हमने क्या किया मैनुअल फॉरवर्ड मैनुअल रिवर्स इसका लॉजिक हमने डिस्कशन किया और इसी को जाकर के ये जो नेटवर्क नंबर 16 जो है इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं जाकर के हम लोगों ने इसी एड्रेस को हमने यूज किया है यहाँ पे कि हमारा मैनुअल अगर 10 का आउटपुट यानी कि मैनुअल फॉरवर्ड किसने प्लेस किया ये मेरा क्या होगा फॉरवर्ड कमांड मेरा चला जाएगा। अब जो है नेटवर्क 12, 13, 14 एंड 15 ये ऑटो के लिए हमने लॉजिक लिखा हुआ है। नेटवर्क नंबर 12, नेटवर्क नंबर 13, नेटवर्क नंबर 14 एंड 15 जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो केवल 4 नेटवर्क इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, इन डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप देखना ना भूले। ठीक है, इसको जो है प्लीज आपको कैसा लगा आपका इसमें जो हमने तीन पार्ट हमने कवर किया कि आपका पैनल का मेन कंट्रोल पैनल का फ्रंट का कैसे हमें इंटरलॉक यूज करना है, ऑपरेटर पैनल बॉक्स जो है उसका कैसे हमें स्विचेस को हमें यूज करना है, और जो है हमारा जितना भी फॉल्ट है पैनल के अंदर हो या हमारा बाहर हो इन सब का फॉल्ट का लॉजिक हमें एक ही स्टाइल में हमें लिखा है। तो इसके लिए जैसे नेटवर्क नंबर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 20 को मैंने ओपन किया तो आप देखेंगे मेन कॉन्टेक्टर फॉल्ट तो बहुत ही सिंपल लिखा है। अगर फीडबैक जब तक आ रहा है यानी कि हेल्दी है यानी कि ये ओपन बना रहेगा, जैसे आपका फीडबैक आना बंद हुआ ये फॉल्ट मेरा जेनरेट होगा और इसको हम लोग लैच कर चुके हैं। जब लैच कर चुके हैं तभी मेरा रिसेट पुश बटन मेरा काम करना चाहिए। ठीक है, और जब तक मेरा हेल्दी नहीं होगा तब तक ये क्या होगा सप्लाई मेरा जाता रहेगा। जब तक हेल्दी नहीं होगा तब तक मेरा क्या है सप्लाई जाता रहेगा यानी कि फॉल्ट मेरा यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहने वाला है। आप रिसेट पुश बटन को कितने बार भी प्रेस करोगे फिर भी ये कॉन्स्टेंट मेरा फॉल्ट जेनरेट होता रहेगा, HMI पे भी दिखेगा और इसका रिजल्ट जो है आपका रेड लैम्प जो रहता है उस पर भी आपका दिखने वाला है। तो दोस्तों ये आपका वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और एक एक स्टैंडर्ड जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो मेरा एक्सपीरियंस है जो 18 ईयर्स का जो प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको वर्ल्ड का जो बेस्ट बेस्ट जो लॉजिक का मेथड है वो आपके सामने मैं लेकर के आते रहूंगा। और अगर आपको इसका हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करना है तो प्लीज सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन पुणे में जो ब्रांच है आप प्लीज आइए और एड्रेस डिस्क्रिप्शन डिटेल्स वगैरह सब आपका है, आपका डिटेल में एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर है डायरेक्टली कॉल कीजिए मेरे से बात कीजिए। और ऑनलाइन मोड में भी ट्रेनिंग फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन में भी आ सकते हैं। ऑनलाइन में एक एक जो भी आपका वर्ल्ड का किसी भी मशीन का लॉजिक क्यों ना हो वो मशीन का आप लॉजिक लेकर के आइए, वो हम लोग आपसे ही डेवलप करवाएंगे। ठीक है, तो आपसे डेवलप करवाने का मतलब क्या है कि वर्ल्ड का कोई भी मशीन का लॉजिक आप लिख सकते हैं जो कि मेरा डिफरेंट डिफरेंट प्लांट का जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आपको ये मैं भरोसा दिलवाता हूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम लोग ऑटो के लॉजिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू और प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू।